नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार की ओर। भारतीय पेंशनर्स मंच राष्ट्रवादी पेंशनर संगठन का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन 4 सितंबर को परामर्श ज्ञान मंदिर नज़दीक दक्ष मंदिर कनखल हरिद्वार में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से सैकड़ों पेंशनधारियों ने शिरकत की। अधिवेशन का उद्घाटन पूज्य स्वामी धर्मात्मा नंद सरस्वती जी महाराज ने भारत माता को माल्यार्पण करते हुए किया। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया तो सारा वातावरण भारत माता की जय जयकार से गूंज उठा। अधिवेशन के मुख्य अतिथि पूज्य स्वामी धर्मार्थानंद सरस्वती जी महाराज ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान की कृपा से देश भर से सैकड़ों पेंशनधारियों का राष्ट्रीय अधिवेशन माँ गंगा की स्थली हरिद्वार में संपन्न हो रहा है। यह बहुत ही आनंद का विषय है। भारत सरकार को पेंशनधारियों का ज्वलंत समस्याओं का शीघ्र निवारण करना चाहिए। मंच के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री श्री वीएस यादव ने मुख्य वक्ता के रूप में अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय पेंशनर्स मंच एक अखिल भारतीय स्तर का राष्ट्रवादी पेंशनधारियों का स्वतंत्र संगठन है, जिसके इस समय देश के 19 प्रदेशों में हजारों सदस्य हैं। अधिवेशन में पेंशनधारियों के अनेक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हुए अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। श्री यादव ने कहा कि देश भर के पेंशनधारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर 6 जून को मंच की तरफ से एक 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंपा गया था, लेकिन खेद का विषय है कि भारत सरकार ने बिना किसी चर्चा के मामले को बंद कर दिया। सरकार की इस कार्रवाई से देश भर के पेंशनधारियों को भारी निराशा हुई है। यदि समय रहते भारत सरकार ने पेंशनधारियों के ज्वलंत मुद्दों का समाधान नहीं किया तो मंच देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उद्घाटन सत्र का संचालन मंच के राष्ट्रीय मंत्री श्री सतीश चंद्र राय ने किया। स्वागत भाषण मंच के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री वेद सिंह ने रखा। उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद परमानंद ज्ञान मंदिर परिसर में पेंशनधारियों ने भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, देश भर से आए पेंशनधारियों ने हरिद्वार में अपना अधिवेशन किया और सरकार को सौंपे गए अपने कुछ बातों से निराशा के दौर पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी बातें नहीं पूरी हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस वीडियो को देखकर हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है कि आखिर सरकार ने पेंशनधारियों की बातों को क्यों नहीं ध्यान दिया। अगर आप अपने कमेंट्स में हमें राय देना चाहते हैं तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।